अगर आपको ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। मैंने कई सारे ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियो बनाए थे, जैसे कि मेरा 3 PM रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो गया या फिर 200 CPR रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो गया। मैंने ये दोनों वीडियो बनाए थे, जिसके ऊपर मैंने एक चैलेंज भी बनाया था कि हाउ टू ग्रो योर 1 लाख अकाउंट टू 3 लाख टू 4 लाख रुपीज। तो ये एक फर्स्ट वीडियो है जो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का, जहां पर हमने वीडियो बनाया था कि अर्न डेली 500 रुपीज 2000 रुपीज। और दूसरा एक वीडियो बनाया था जिसमें 3 PM के बारे में डिस्कस किया था, 3 PM ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, ग्रो योर स्मॉल 1 लाख रुपीज अकाउंट टू 3 लाख रुपीज बेसिकली, राइट। तो ये दो वीडियो मैंने बनाए थे। ये दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर इन वीडियो को जाकर जरूर देखें। इन्हीं स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर, बेसिक लॉजिक इस्तेमाल कर मैंने ये मैंने एक 4 लाख रुपीज का अकाउंट एक 10 लाख रुपीज तक का स्केल कर लिया है, राइट। तो ये जो ऑप्शन बाइंग का बास्केट है, ये है 4 लाख का अकाउंट मैंने 10 लाख तक स्केल किया और ये 6 लाख रुपीज प्लस प्रॉफिट कमाया है यूजिंग ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। नाउ डेफिनेटली ये आप सब सब लोग ये डेफिनेटली चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी यूज किया है। डिस्क्रिप्शन ये है, मैं वो आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे चीता ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट मैं शेयर कर देता हूँ। तो इसका बैक टेस्ट मैं अभी फिलहाल 2 साल के लिए शेयर करूंगा, फ्रॉम February 12, 2022 टू February 13, 2024, राइट। तो मैं इसका बैक टेस्ट रन करता हूँ। नाउ बेसिकली ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में एक होती है ड्रॉडाउन की लाइन, ये होती है जीरो लाइन, ड्रॉडाउन की लाइन, जहां पर इक्विटी कर्व पे इक्विटी हाई पे आने के बाद में वापस से ऑप्शन बाइंग ड्रॉडाउन में जाता है, फिर इक्विटी कर्व हाई पे आता है। ये है हमारी जीरो लाइन, जहाँ पे ये ड्रॉडाउन लाइन हो गई, और फिर एकदम से एक बड़ा ड्रॉडाउन आएगा, फिर वापस से इक्विटी कर्व हाई पे जाएगा, ऐसा, राइट। तो जब भी आप देख रहे हो कि ऑप्शन बाइंग की जो स्ट्रेटेजी होती है वो हमेशा जीरो लाइन टू इक्विटी, जीरो लाइन से लेकर एक एवरेज ड्रॉडाउन की लाइन में रेंज में बेसिकली ट्रेड होते रहती है, राइट। तो इक्विटी कर्व जो है इसका एक काफी एराटिक इक्विटी कर्व होता है। बट हमने क्या किया, हमने एक बहुत ही अच्छी चीज यूज करी, क्या है कि ये हमारा एक इक्विटी का जीरो लाइन है, बेसिकली ये ड्रॉडाउन का जीरो लाइन है, ये हमारा एक एवरेज ड्रॉडाउन का लाइन हो गया, ओके। ये एक हमारा एवरेज ड्रॉडाउन का लाइन हो गया और ये एक मैक्स ड्रॉडाउन का लाइन हो गया, राइट। तो जब भी हमने देखा कि एवरेज ड्रॉडाउन के पास में आने के बाद में हमेशा इक्विटी प्रॉफिट आते हैं बेसिकली, राइट। तो एवरेज ड्रॉडाउन के पास में आने के बाद में हमेशा प्रॉफिट वाली स्ट्रीक आती है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो है इसी साइकिल में चलता है, इक्विटी हाई ड्रॉडाउन, इक्विटी हाई ड्रॉडाउन, राइट। तो ये हमारी एवरेज ड्रॉडाउन की लाइन है। अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली जब भी इक्विटी हाई पे टच होता है, हम लॉट साइज को कम कर देते हैं, और जब भी एवरेज ड्रॉडाउन की लाइन को टच करता है इसके बाद में हम लॉट साइज बढ़ा देते हैं। तो अब हमने लेट्स से कि इधर 4x से स्टार्ट किया था, कि 4 लॉट से हमने ये स्टार्ट की थी, ये 4 लॉट से स्टार्ट करी, एवरेज ड्रॉडाउन की लाइन पे अगर हमारा सिस्टम आ चुका है तो अब हम इधर 8 लॉट से ट्रेड करेंगे। अब 8 लॉट से ट्रेड करने के बाद में जैसे ही इक्विटी हाई पे टच होगा, इधर फिर से हम 4 लॉट्स पे ट्रेड करेंगे, तो हमें जो लॉस हो रहा है वो 4 लॉट्स पे लॉस होने वाला है, बट हमारा जो रिकवरी आएगा वो 8 लॉट्स पे रिकवरी आने वाला है, राइट। तो प्रॉफिट हमें डबल होगा बट लॉस हमें कम होगा। हाँ, कई बार हो सकता है कि इस वाले पीरियड में आपको लॉस जो है वो डबल होने वाला होगा, बट डेफिनेटली जैसे आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग इक्विटी हाई और ड्रॉडाउन के साइकिल में ही चलते रहता है, तो इस पीरियड में आपको बस आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। नाउ पोजीशन साइजिंग कैसे रखता है कि ड्रॉडाउन जो है बेसिकली ऑप्शन बाइंग में आता है वो आता है 50% के आसपास। नाउ नेवर डिप्लॉय मोर देन 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन ऑप्शन बाइंग। क्यों? क्योंकि अगर आपका 10% डिप्लॉयड है ऑप्शन बाइंग में, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको आएगा पोर्टफोलियो पे 5% का, राइट। तो आपके पास में ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग सिस्टम दोनों डिफाइंड रहना चाहिए, जिससे आपको एक ओवरऑल स्मूदर इक्विटी कर्व मिले, राइट। तो अभी मैं इसका बैक टेस्ट शेयर करता हूं, ये है बैक टेस्ट जो मैं शेयर कर रहा हूं। तो अभी मैं बैक टेस्ट जो शेयर कर रहा हूं वो है 2% स्लिपेज के साथ में, और इसके अंदर अप्रोक्स टोटल 7 स्ट्रेटेजीज है, राइट। तो टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड जो रहेगा 7 10 लॉट्स के लिए वो रहेगा 8 लाख रुपीज 9 लाख रुपीज। तो बेसिकली आप समझ लो कि पर वन लॉट
आपको 1 लाख रुपीज कैपिटल रिक्वायर्ड है फॉर 1x क्वांटिटी। 1x का मतलब है सभी स्ट्रैटेजीज का 1 लॉट अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए फॉर सेफ्टी रिक्वायर्ड है। नाउ एवरी ईयर अगर इसका हम बेसिकली रिटर्न देखें तो ऑन अ कैपिटल ऑफ 8 लाख रुपीज इन 2023 इट गेव अ रिटर्न ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपीज। इन 2022 इट गेव अ रिटर्न ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख रुपीज। अभी इस साल का रिटर्न देखें तो अप्रोक्सीमेटली 69,000 के आसपास का रिटर्न है। तो एवरेज हम देखिए तो हमारा टारगेट है कि साल का इसका 100 to 150% का रिटर्न बने, और ये जो रिटर्न देख रहे हो ये रिटर्न बन रहा है ऑन अ स्लिपेज ऑफ 2%, राइट। तो मैंने स्लिपेज भी काफी ज्यादा ऐड किया है, 2% का स्लिपेज ऐड किया है, और साथ में ये नॉर्मल रिटर्न है। अगर हम ये सेम सिस्टम को ऐसा ट्रेड करें जहां पर हमने इक्विटी हाई पे लॉट साइज हाफ कर दिया और एवरेज ड्रॉडाउन की लाइन पर हमने लॉट साइज जो है डबल कर दिया, तो इससे आपका ड्रॉडाउन तो है वो उतना ही मैनेज रहेगा बट आपका रिटर्न जो है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। नाउ इन दिस सिनेरियो एवरेज ड्रॉडाउन की लाइन कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज ड्रॉडाउन की लाइन जो है सिस्टम के हिसाब से, मेरे पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से अगर मैं आपको दिखा दूं तो ड्रॉडाउन की लाइन अगर मैं आपको दिखा दूं इधर, ये देख लीजिए, ये है हमारी ड्रॉडाउन की लाइन। तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे कभी भी जो इक्विटी कर्व है, बेसिकली ये जो ड्रॉडाउन का कर्व है, ये दिख रहा है कि इक्विटी हाई से ड्रॉडाउन, इक्विटी हाई से ड्रॉडाउन। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है बेसिकली कि बार बार 1 लाख के आसपास जब भी आता है, 1 लाख के आसपास, 1 to 1.5 लाख के आसपास जब भी आता है, वहां से हमेशा रिकवरी होती है। 1 to 1.5 लाख के आसपास जब भी आता है वहां से हम रिकवरी होती है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जब भी पर लॉट पर 1x क्वांटिटी में 10,000 रुपए का ड्रॉडाउन आता है, पर 1x क्वांटिटी में 10,000 रुपए का ड्रॉडाउन आता है, तब हमने लॉट साइज बढ़ा दी, डबल कर दी बेसिकली, राइट। तो ओरिजिनली अगर हमको 8 लॉट ट्रेड करना है तो हम इधर 4 लॉट ट्रेड करेंगे और इधर 8 लॉट ट्रेड करेंगे और फिर से 4 लॉट ट्रेड कर लेंगे। नाउ सेम सिस्टम यूज करके मैंने ये जो सेम सिस्टम यूज किया है लॉजिकली कि 4 लाख रुपीज से मैंने ये ऑप्शन बाइंग चालू करी थी 4x क्वांटिटी में, ओके। मैंने चालू करी थी 4 लाख रुपीज से 4x क्वांटिटी में। अब ड्रॉडाउन आया, ड्रॉडाउन के टाइम पे मैंने इसको 8x से स्टार्ट, 8x ऐड किया, ये वाले पॉइंट पे 8x ऐड की, 8x आया कि इक्विटी कर्व में प्रॉफिट आ गया बेसिकली। अब फिर इसमें पुल बैक आया, पुल बैक आया 8x से, फिर मैं वापस से पुल बैक में प्रॉफिट था तो हम 8x से 12x चले गए। 12x पे जाने के बाद में एकदम से प्रॉफिट बर्स्ट आया। अब 12x में आने के बाद में प्रॉफिट प्रॉफिट का एक स्ट्रीक आया और फिर कंप्लीटली साइडवेज आ गया। अब ये ब्रेकआउट आया इस इक्विटी कर्व के ऊपर, अब मैं 12x से वापस से 8x पे चला गया। अब मैं 8x पे चला गया हूं, अब ये समझो पुल बैक करेगा, एक ड्रॉडाउन आएगा, इस ड्रॉडाउन में मैं 8x से डायरेक्ट जाऊंगा 16x पे। तो मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट को बेसिकली प्रॉफिट को कंपाउंड करने की कोशिश कर रहा हूं हर बार प्रॉफिट के टाइम पे, ओके। हर बार जब भी प्रॉफिट होगा मैं उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करूंगा और एक ड्रॉडाउन के पीरियड में ही मैं इस स्ट्रैटेजी को रन करूंगा। तो अभी मैंने इसको, मेरा बैकएंड का पीएनएल मैंने डाउनलोड किया है बेसिकली रिपोर्ट्स में, मैं ये स्ट्रैटेजी रन कर रहा हूँ फिनविशिया में। तो फिनविशिया में मैंने इसका रिपोर्ट डाउनलोड किया तो टोटल रिटर्न जो बना है उसका बना है नेट रिटर्न आफ्टर ऑल ब्रोकरेज टैक्सेस एवरीथिंग इज 6,20,000 रुपीज, और ग्रॉस रिटर्न जो बना है वो बना है 6,60,000 के आसपास, ओके। तो 23,000 एसटीटी, 15,000 ट्रांजैक्शन चार्जेस और ये सब मिलाकर कुछ 40,000 के आसपास का ब्रोकरेज टैक्सेस लगे हैं। नाउ अब अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करना है तो अब हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब नहीं करना है तो आप इस वीडियो को अभी देखना बंद कर सकते हो, क्योंकि अब इधर से लर्निंग कर्व कुछ नहीं है। नाउ स्ट्रैटेजी फीस एंड स्ट्रैटेजी का सपोर्ट। सो बेसिकली स्ट्रैटेजी का फीस जो है वो है 25,000 रुपीज 1 ईयर फी, जिसमें आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा, स्टॉक मॉक का बैक टेस्टेड पीटीएफ, स्टॉक मॉक का आपको लाइव रिजल्ट मिलेगा, बेसिकली अकाउंट का लाइव रिजल्ट मिलेगा। एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे आई अपलोड माई पीएनएल ऑल्सो, सो दैट यू कैन वेरीफाई एंड यू कैन क्रॉस चेक द पीएनएल। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फेब्रवरी में सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए फीस रहेगी 20,000 रुपी। इसका आपको ईयर एंड तक का कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है, कंप्लीट सपोर्ट टिल ईयर एंड। अगर आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स देखना है तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। राइट, इसके बाद में बेसिकली अगर आप इसका एग्जीक्यूशन कॉस्ट देखें, एग्जीक्यूशन कॉस्ट में क्वांटिप्लाई का जो चार्ज आता है वो आता है 2,000 रुपीज पर मंथ चार्ज।
प्लस इट इज सजेस्टेड दैट यू यूज जीरो ब्रोकरेज टू सेव ऑन ब्रोकरेज, अदरवाइज 7 to 8,000 rupees आपका मिनिमम ब्रोकरेज आएगा पर मंथ। और मिनिमम क्वांटिटी आपको इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है तो कम से कम 4 to 5 lakh rupees से ही ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज दिस विल नॉट बी प्रॉफिटेबल आफ्टर ब्रोकरेज टैक्सेस एंड एवरीथिंग। सो सजेशन यही है कि आप इसको रन करने के लिए एक जीरो ब्रोकर का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, राइट। और ये जो रिजल्ट है ये लाइव रिजल्ट है टू बी ऑनेस्ट, एंड ये बैक टेस्टेड रिजल्ट नहीं है। बैक टेस्टेड रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो बैक टेस्ट रिजल्ट इसका कंपेरेटिवली देखा जाए तो कम रहेगा कंपेयर टू लाइव रिजल्ट, क्योंकि बैक टेस्ट में ये चीज नहीं हो रही है। बैक टेस्ट में ये जो चीज कर रहे हैं हम इक्विटी कर्व से ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये चीज बैक टेस्ट में नहीं हो रही है, ये सिर्फ लाइव ट्रेड में हो रही है और ये मैन्युअली हो रही है, राइट। तो अगर आपको ये भी चीज नहीं करना है तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो और आप सिंपली स्ट्रैटेजी रन कर सकते हो एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 100% का रिटर्न तो जरूर देगा। बट डिस्क्लेमर ये है कि डिप्लॉयड कैपिटल जो है, डिप्लॉयड कैपिटल आपका less than 10% ऑफ पोर्टफोलियो रहना चाहिए। कुछ लोग करते हैं कि अगर 10 लाख रुपए तो 10 लाख की 10 लाख पूरा ऑप्शन बाइंग में डाल दिया और फिर आपका कैपिटल ब्लो आउट होने पर आप दूसरों को ब्लेम करते हो। आपका कैपिटल उतना ही डालना है जितने पे आप 50% का रिस्क ले सकते हो, राइट। तो ये आपका एक नंबर वन रूल हो गया ऑप्शन बाइंग का, कि ऑप्शन बाइंग में ड्रॉडाउन का जो पीरियड आता है वो काफी ज्यादा ड्रॉडाउन का पीरियड आता है। और इसमें भी देख लीजिए कि इसमें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने तक का ड्रॉडाउन का पीरियड है। एमटीडी डेज देखेंगे तो 6 महीने तक ड्रॉडाउन पीरियड है इस पर्टिकुलर बास्केट में, राइट। तो हो सकता है कि 6 महीने तक आपका कोई रिटर्न ना बने, इमीडिएटली स्टार्ट होने के बाद में भी हो सकता है कि आपका कोई रिटर्न ना बने। तो ऑप्शन बाइंग के लिए जो माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है, एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन टू बी ऑनेस्ट। ये जो इक्विटी कर्व है इसमें 50% के ड्रॉडाउन भी है। देखिए 6 लाख रुपए से फिर से 4 लाख के आसपास गिरा हुआ है, ये देखिए 8 लाख, 8.5, 9 लाख के आसपास से फिर से ये 8.5, 7.5 लाख के आसपास गिरा हुआ है। तो 1.5-2 लाख रुपए के ड्रॉडाउन भी आते हैं इस पर्टिकुलर बास्केट में, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको ये आइडिया समझ में आया होगी कैसे आप इक्विटी हाई से इक्विटी लो पे कैसे आप लॉट साइज को चेंज कर कर आपके प्रॉफिटेबिलिटी सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। एंड आई होप यू अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स टूडे। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी विद कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट सपोर्ट, एंड आपको व्हाट्सएप का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको कोई भी क्वेरी होता है कितना क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कैसे स्केल अप करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।